नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज जिंदाबाद, लेंगे लेंगे तमाम वाला आएगा, वक्त वाला जाएगा, वक्त वाला आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने भव्य मोर्चा निकाल वसई तहसील कार्यालय के बाहर किया ठिया आंदोलन। 5 घंटे ठिया आंदोलन करने के बाद मोर्चे में शामिल लोग तहसीलदार मैडम के केबिन में घुस करने लगे नाच गाना। वसई तहसील कार्यालय के बाहर आज हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने एक बड़े मोर्चे का आयोजन किया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शामिल आदिवासी समाज के लोग अपनी विविध मांगों को लेकर वसई तहसीलदार कार्यालय पहुंचे थे। श्रमजीवी संगठना के बैनर तले यह एल्गार मोर्चा आयोजित किया गया था, जिसमें राशन में मिलने वाले कम धान, आदिवासी जमीन पर हुए अतिक्रमण एवं तहसील कार्यालय में प्रलंबित पड़े आदिवासी समाज की जाति दाखिले को जल्द बनाकर देने की मांग मोर्चे में शामिल लोग करते दिखाई दिए। इस आंदोलन में वसई विरार के कोने कोने से आदिवासी महिला व पुरुष शामिल हुए थे। लंबे समय तक तहसीलदार कार्यालय परिसर में आंदोलन करने के बाद शाम के समय मोर्चे में शामिल आदिवासी समाज बंधु तहसीलदार मैडम उज्ज्वला भगत के कैबिन में घुस गए एवं वहीं पारंपरिक नृत्य करने लगे, जिसके चलते एक बारगी माहौल थोड़ा गर्मा गया। इन आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के पूरी नहीं होने की सूरत में भविष्य में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि वसई तहसीलदार कार्यालय अपनी लापरवाही के लिए मशहूर है, जहां हजारों आम लोगों की कई काम सालों से प्रलंबित है। पुरठा विभाग राशनिंग ऑफिस में हजारों की तादाद में राशन कार्ड ऑनलाइन किए जाने बाकी है, जिस वजह से जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है उनको प्रति माह मिलने वाला सरकारी धान या तो मिलता ही नहीं है या मिला तो भी आधा अधूरा मिलता है। वहीं सैकड़ों आदिवासी लोगों की जमीनों को हड़पने वाले भू माफिया को भी वसई तहसीलदार कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं करके संरक्षण दिया जाता है, बल्कि कुछ मामलों में तो गलत दस्तावेजों पर तहसील कर्मियों की मिली भगत से फर्जीवाड़ा करके आदिवासी समाज के लोगों की जमीन हड़प लिए जाने के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। देखिए सैफ न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। माझं नाव आत्माराम ठाकरे, मी वसई तालुका अध्यक्ष आहे। आमच्या मागण्या ज्या लोकांना भेडसावणाऱ्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या अशा आहेत की आजपर्यंत कोणाला जातीचा दाखला भेटलेला नाही। जे रेशनिंग कार्ड आहे ते रेशनिंग कार्ड असूनसुद्धा त्यांना धान्य भेटत नाही, आणि धान्य भेटतं ते सुद्धा ते कमी धान्य भेटतं। शिवाय लोकांना आधार कार्ड नाही, आधार कार्ड नसेल तर रेशनिंग कार्डावर ऑनलाईन होत नाही, आणि ऑनलाईन झालं नाही तर त्यांना धान्य भेटत नाही। असे आमचे अनेक विविध प्रश्न आहेत जे आपल्या लोकांचे सरकारी जागेवर अतिक्रमण आहे, ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी हे तहसीलदार ताबडतोब अशा नोटिसा काढतात। कुठल्याही प्रकारे त्यांच्यावर असं अन्याय केला जातो, आणि जे मोठे लोक आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारे नोटीस काढून कुठल्याही प्रकारे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, परंतु गरिबांनी जिथे जिथे असं काय अतिक्रमण केलं, गरिबांनी काय असं झोपड्या बांधल्या असतील, राहण्यासाठी घरं असतील, अशावर तातडीने ते नोटिशी काढून त्यांच्यावर कारवाई करतात, आणि सांगतात का हे हा प्रश्न तारांकित प्रश्न आहे, हे आम्हाला आम्ही खपून घेणार नाही। आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या जातीचा दाखला आज आम्ही गेल्या 6 महिन्यात 6000 जातीचे दाखले आम्ही दाखल केलेले आहेत, तिथे प्रकरणं दाखल केलेले आहेत, आजपर्यंत एकही जातीचा दाखला दिलेला नाही।
हे काम खरं म्हणजे या शासनाचं होतं। हे जातीचे दाखले जे परिपत्रक काढलं शासनाने जे परिपत्रक काढलं ते परिपत्रक असं होतं की एका महिन्यात त्यांना जातीचे दाखले तुम्ही पूर्ण त्यांची प्रक्रिया करून हे जातीचे दाखले तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना त्यांचा पंचनामा करून हे सगळे जातीचे दाखले ज्यांना जातीचे दाखले नसतील त्यांना जातीचे दाखले दिले पाहिजेत। परंतु ह्या लोकांनी आत्तापर्यंत जातीच्या दाखल्यांसंदर्भात कुठल्याही पाऊल उचललं नाही, रेशनिंग कार्ड उचललं नाही आणि त्याच्यासाठी आज आमचं आंदोलन अशासाठी आहे। आम्ही निर्धार करून आलेलो आहोत की आम्हाला जोपर्यंत आमच्या मागण्या देत पूर्ण करीत नाही, आम्हाला जातीचा दाखला देत नाही, आम्हाला ऑनलाईन नसेल तर ऑफलाईन आम्हाला धान्य मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा निर्धार आम्ही कदापि इथून जाणार नाही। हा निर्धार करून आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि हा आमचा निर्धार आहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।